और अब बढ़ते आगे जहां पर रायपुर से खबर है। दरअसल बांद्रा पुलिस स्टेशन में ही धमकी भरा कॉल आया था। बता दें कि पुलिस को फोन कर 50 लाख रुपए की मांग की गई, फिरौती नहीं देने पर शाहरुख खान को जान से मारने की बात कही थी। 5 नवंबर को एफआईआर दर्ज की गई, बता दें कि और ये कहा गया जिसने धमकी दी थी उस शख्स ने ये कहा कि बैंड स्टैंड वाले शाहरुख खान को मार दूंगा। जब उससे उसका नाम पूछा गया तो बोला वो मेरे लिए मैटर नहीं करता, मेरा नाम हिंदुस्तानी है। बांद्रा पुलिस को 5 नवंबर के दिन दोपहर 1:21 पर कॉल आया। दरअसल आपको बता दें कि पहले सलमान खान को लगातार धमकियां मिलती रही और अब सलमान खान के बाद उनके दोस्त किंग खान शाहरुख खान को धमकी मिली है और ये कॉल आया है बांद्रा पुलिस स्टेशन में। 50 लाख की फिरौती मांगी गई और ये कहा गया कि पैसे दो नहीं तो मार दूंगा। और जो कॉल की गई है उसकी लोकेशन ट्रेस हुई है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। बता दें कि धमकी देने वाले का नाम फैजान खान बताया जा रहा है। इसके बाद मुंबई पुलिस तत्काल राजधानी रायपुर पहुंची है, कॉल ट्रेस किया गया है, लोकेशन को ट्रेस किया गया कि जिस शख्स ने धमकी दी है उसका फैजान खान नाम बताया गया है, उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। मिली है मुंबई में बांद्रा पुलिस स्टेशन में एक अपराध पंजीबद्ध हुआ है जिसमें शाहरुख खान को धमकी दी गई थी। उसी के सिलसिले में पूछताछ करने के लिए मुंबई पुलिस जो है रायपुर आई है, जहां पर पंडित थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है जिसके तार इस धमकी वाली कॉल से जुड़े हुए। पुलिस ने प्रारंभिक कुछ पूछताछ की है, उसके साथ साथ पुलिस ने इस व्यक्ति को नोटिस भी सर्व किया है कि आप बांद्रा पुलिस थाने में पूछताछ के लिए हाजिर हों। हालांकि इस पूरे मामले की पड़ताल की गई, उसके बाद मुंबई पुलिस राजधानी रायपुर पहुंची है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हालांकि इस पूरे मामले में यह भी जांच होगी जो आरोपी जिसने धमकी दी है, धमकी देने वाला शख्स फैजान, क्या उसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है या फिर कोई प्रैंक कॉल तो नहीं है या किसी ने शरारत तो नहीं की है, ये तमाम जांच का विषय, जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि धमकी देने वाले शख्स का मुख्य उद्देश्य क्या था। केवल उसने क्या शरारत की थी या प्रैंक थी या किसी ग्रुप से क्या वो जुड़ा हुआ है, किसी संगठन से क्या वो जुड़ा हुआ है, ये जांच का विषय है। लेकिन फैजान खान नाम के युवक ने कॉल करके धमकी दी है। आरोपी की तलाश में रायपुर पहुंची महाराष्ट्र पुलिस। कॉल पर धमकी देकर फिरौती मांगी गई थी 50 लाख रुपए की, जिसके बाद महाराष्ट्र के बांद्रा थाने में एफआईआर दर्ज हुई। हालांकि अभी तक शख्स को, धमकी देने वाले शख्स को गिरफ्तार नहीं किया जा सका है, लेकिन नाम जरूर सामने आया है जिसने धमकी दी, उसका नाम फैजान बताया जा रहा है। लेकिन सवाल कई सारे खड़े हो रहे हैं कि एक तरफ पहले लगातार कई धमकियां मिल चुकी हैं सलमान खान को, उसके बाद अब शाहरुख खान को धमकी दी गई, इसके बाद सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा पुख्ता कर दिया क्या है। मिली है मुंबई में बांद्रा पुलिस स्टेशन में एक अपराध पंजीबद्ध हुआ है जिसमें शाहरुख खान को धमकी दी गई थी। उसी के सिलसिले में पूछताछ करने के लिए मुंबई पुलिस जो है रायपुर आई है, जहां पर पंडित थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है जिसके तार इस धमकी वाली कॉल से जुड़े हुए। पुलिस ने प्रारंभिक कुछ पूछताछ की है, उसके साथ साथ पुलिस ने इस व्यक्ति को नोटिस भी सर्व किया है कि आप बांद्रा पुलिस थाने में पूछताछ के लिए हाजिर हों। तो शाहरुख खान को जान से मारने की धमकी देने का मामला है, पुलिस ने फैजान खान नाम के युवक को नोटिस तामील किया और शाहरुख खान की को धमकी और फिरौती की मांग पर नोटिस तामील किया गया है। पुलिस फैजान खान से पूछताछ करेगी, लेकिन आप बता दें कि फैजान खान की गिरफ्तारी नहीं हुई है अब तक। एसएसपी संतोष कुमार सिंह ने पुष्टि की है इस पूरे मामले पर। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शिवम मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो शिवम, क्या जानकारी सामने आ रही है, नाम पता चल गया है, लोकेशन ट्रेस हो चुकी है, कब तक गिरफ्तारी हो सकती है धमकी देने वाले शख्स की?
कि जिस तरीके से जानकारी सामने आई कि बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान को रायपुर से कॉल गया था धमकी भरा और उनसे फिरौती की मांग की गई थी, उसके बाद ही महाराष्ट्र पुलिस राजधानी रायपुर पहुंची हुई थी और उसकी तलाश की जा रही थी कि आखिरकार वो कॉलर कौन है जिसके नंबर से शाहरुख खान को फोन गया और सीधे धमकी गई। उसके बाद महाराष्ट्र पुलिस जो है पंडरी थाना इलाके पहुंची और यहाँ की लोकल पुलिस से संपर्क करने के बाद फैजान खान नाम के युवक का खुलासा हुआ जिन्होंने शाहरुख खान को बीते दिनों कॉल करके उन्हें धमकी दी थी। इस वक्त हमारे साथ अजय कुमार सर हैं, हम सीधे बातचीत करते सीएसपी हैं। सर क्या पूरा मामला था? महाराष्ट्र पुलिस पहुंची हुई थी, फैजान खान नाम के युवक की तलाश की जा रही थी, क्या पूरा मामला था, इस वक्त क्या कार्रवाई की गई है? ये आज सुबह थाना पंडरी क्षेत्र का मामला है जहां पर मुंबई पुलिस की टीम एक थाना में आई, उन्होंने सूचित किया कि एक अपराध पंजीबद्ध हुआ है बांद्रा पुलिस स्टेशन में, जहां पर शिकायत मिली थी कि शाहरुख खान को एक धमकी दी गई है पैसों की मांग को लेकर के। तो उस पे जो व्यक्ति को जिसका कॉल आया उसकी पहचान फैजान खान के रूप में हुई जो थाना पंडरी क्षेत्र का रहने वाला है, उसको उससे पूछताछ करी मुंबई पुलिस ने, उसको एक नोटिस भी इशू किया है। सर आगे क्या कार्रवाई करेगी मुंबई पुलिस, क्योंकि बांद्रा में FIR हुई है, यहाँ पर भी नोटिस दी गई है फैजान खान को, आगे का क्या प्रोसेस रहेगा? जैसा मैंने बताया कि मुंबई पुलिस उनको आगे की पूछताछ के लिए नोटिस इशू करके गई है, तो मुंबई की पुलिस इसमें जांच करेगी और जांच के अनुसार जो भी कार्रवाई करनी होगी वो कार्रवाई करेगी। सर फैजान खान को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया, क्या कुछ बातें कही उनकी तरफ से, क्या तथ्य रखे गए? फैजान खान थाना पंडित क्षेत्र के रहने वाले मेरी जानकारी के अनुसार और एक पेशे से एडवोकेट हैं, उन्होंने मना किया है कि ऐसा कुछ कृत्य उनके द्वारा नहीं किया गया है और उन्होंने बोला है कुछ दिनों पहले उनका फोन गुम हो गया था जिसकी सूचना उन्होंने पुलिस थाने में दी थी। ये थे हमारे साथ अजय कुमार सर जो CSP सिविल लाइन है और उन्होंने इस बात को कहा है कि फैजान खान को बुला करके पूछताछ की गई थी और पूछताछ करने के बाद उन्हें नोटिस तामील कर वापस भेज दिया गया है। महाराष्ट्र पुलिस यहां पर पहुंची हुई थी और महाराष्ट्र पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच करेगी क्योंकि बांद्रा पुलिस स्टेशन पर ये FIR दर्ज हुई है और FIR दर्ज होने के बाद अब पूरे जो है प्रोसेस के साथ जो है पूरे मामले की जांच की जाएगी। फैजान खान को भी नोटिस तामील की गई है, हो सकता है आने वाले समय पर महाराष्ट्र पुलिस फैजान खान को बांद्रा पुलिस स्टेशन बुला करके उनसे इस पूरे मामले पर पूछताछ करे। हालांकि जिस तरह से पुलिस अधिकारी इस बात को पहले ये सवाल पूछा जा रहा था जो फैजान खान जिसने धमकी दी है क्या वो उसके पीछे कोई क्रिमिनल, उसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है, क्या ये शरारत के तौर पर, क्या कोई प्रैंक कॉल के प्रैंक कॉल तो नहीं किया गया या किसी संगठन से जुड़ा तो नहीं है, पहले ये चीज़ें पूछी गई थी। उसके बाद जैसे आपने पुलिस से बात की तो उन्होंने कहा कि उनसे पूछताछ की गई है, वो एडवोकेट हैं, उन्होंने बताया कि उनका फ़ोन गुम गया था, तो आखिर फ़ोन किसने किया, उनकी सिम से उनके नंबर से शाहरुख खान को धमकी किसने दी, महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है अब। बिल्कुल निश्चित रूप से देखिए जिस तरीके से ये सवाल जरूर उठ रहे थे कि आखिरकार ये फैजान खान है कौन, क्या इसका पुराना कोई आपराधिक रिकॉर्ड है या फिर इसने शाहरुख खान को ही फोन करके धमकी क्यों दी, उनसे फिरौती की मांग क्यों की गई, तो पुलिस इस पूरे मामले पर जांच कर रही थी और जिस तरीके से अजय कुमार ने इस बात को स्पष्ट तौर पर कह दिया कि फैजान खान पेशे से एडवोकेट है और उनका फोन चोरी हो चुका था, इस बात के तर्क फैजान खान की तरफ से पूछताछ में रखे गए थे और इस बात को भी कहा जा रहा था कि बीते दिनों ये जो फोन गुम हुआ था इसकी सूचना जो है स्थानीय थाना क्षेत्र में दी गई थी, इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। लेकिन चूंकि मामला हाई प्रोफाइल बन चुका है, मामला काफी ज्यादा सेंसिटिव है क्योंकि शाहरुख खान को सीधे धमकी पहुंची है राजधानी रायपुर से, तो फिर भी इस पूरे मामले पर फैजान खान को एक नोटिस तामील की गई है और अब नोटिस के बाद महाराष्ट्र पुलिस इस पूरे मामले पर जांच करेगी। जी क्या लगता है शिवम कि अभी मुंबई पुलिस राजधानी रायपुर में डेरा जमा के रखेगी या फैजान खान को पूछताछ के लिए, आगे की पूछताछ के लिए मुंबई लेकर जाएगी, क्या लगता है? बिल्कुल देखिए जिस तरीके से जानकारी सामने आ रही थी कि आज सुबह से ही महाराष्ट्र पुलिस यहां पर पहुंची हुई थी और यहां पर पहुंचने के बाद उस कॉलर आईडी का पूरा लोकेशन निकाला गया, लोकेशन निकालने के बाद महाराष्ट्र पुलिस पंडरी थाना क्षेत्र में दोपहर के बाद यहां पर पहुंची। चूंकि मामला हाई प्रोफाइल है और ऐसा माना जा सकता है कि आने वाले समय पर महाराष्ट्र पुलिस फैजान खान को खुद पुलिस स्टेशन तलब करवाए और उनसे वहां पर इस पूरे मामले की पूछताछ की जाए। जी चलिए ठीक है शिवम, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो शाहरुख खान को धमकी का रायपुर कनेक्शन है ये, हालांकि इस पूरे मामले में और भी सवाल अब खड़े होते हैं कि फैजान खान ने अगर कॉल नहीं किया तो ये कॉल किसके द्वारा किया क्या है, और ये भी सवाल कि क्या मुंबई पुलिस फैजान खान को गिरफ्तार कर मुंबई लेकर जाएगी पूछताछ के लिए या इस पूरे मामले की जाँच किसी अन्य तरीके से देखने को मिलेगी, महत्वपूर्ण सवाल है। yeah.